हेलो गेमर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार फॉर सेल। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो गाइस फटाक से चलते हैं कार फॉर सेल के वर्ल्ड पे और देखते हैं हमारे शोरूम के सामने क्या कुछ चल रहा है। पिछले वीडियो पे हमने खरीदा था अपने लिए, खुद के लिए, एक शेवरलेट जो कि था अराउंड $1 लाख का। सो देखते हैं गाइस वो गाड़ी अगर हमको और ज्यादा प्रॉफिट देगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो गाड़ी को बेच देंगे। पहले अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ऑफिस को साफ कर देते हैं, देन हम करते हैं ऑफिस को ओपन। और अभी हम आते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी लेके चलते हैं ड्रैग रेस की जगह पे। और देखने वाली बात है कि गाइज वहाँ पे आज कोई गाड़ी है या नहीं। अगर गाड़ी है तो गाइज अभी हम ड्रैग रेस करेंगे, अगर ये जीतती है तो मैं ये गाड़ी नहीं बेचूंगा, अगर हम हार जाते हैं तब तो गाइज यार ड्रैग रेस के बाद मेरे को ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मेनली कोई गाड़ी नहीं है ड्रैग रेस के लिए। सो अभी हम चलते हैं गाइज नई रोड पे, क्योंकि हमको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदने के बाद हमको वो बेच के पैसे कमाना है, ठीक है। सो अभी हम आ चुके हैं गाइस नेबरहुड को और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाड़ी वगैरह मिलता है हमको। और यहाँ पे भाई कोई कोई गाड़ी नहीं है भाई, लेफ्ट पे खटारा पड़ा हुआ है और खटारे के अलावा और यहाँ पे कोई गाड़ी है ही नहीं भाई। मेरे को उस साइड जाना पड़ेगा, शायद वो वाला कॉलोनी देखना होगा मेरे को नेबरहुड का। तो गाइस उस साइड चलते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट पे एक भाई BMW है, राइट पे एक खटारा है, यार कोई गाड़ी भी नहीं है अच्छी वाली। तो गाइस अभी हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे कोई अच्छी वाली गाड़ी भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद कल आके हम गाड़ी खरीदेंगे। तो अभी हम चलते हैं गाइस थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट डे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हम चलते हैं गाइस ये गाड़ी लेते हैं और फटाक से चलते हैं, देखते हैं अभी हमको कोई गाड़ी वगैरह मिलती है अच्छी या नहीं, अदरवाइज मेरे को यही वाला गाड़ी बेचना पड़ेगा। ओके यार, ये गाड़ी वैसे भागती अच्छी खासी है, बट क्योंकि मेरे को विंटेज कार है, मेरे को उतना मतलब मेरे को स्पोर्ट्स कार ज़्यादा पसंद है, विंटेज कार उतना पसंद नहीं आता। और यहाँ पे देखते हैं गाइस कोई गाड़ी है या नहीं। यहाँ पे मेरे को ये वाला खटारा है, सामने शायद ये टेस्ला है गाइस, मैं देखता हूँ टेस्ला मेरे को कितने में देती है। ये बंदा टेस्ला प्लीज थोड़ा सस्ता दे दे तो मैं ले लूँगा। मैं इसको ऑफर करता हूँ 40,000 और ये मेरे को 40,000 में ये शायद नहीं देगा भाई, 55 मांगा है। तो गाइस अभी हम इसको बोलते हैं 48, ना तेरा ना मेरा, चल 48 में दे दे। गाइस गाड़ी थोड़ा 21% डैमेज है, बट मेरे को यहाँ पे ये गाड़ी मिल चुका है 48,000 में। और यार यहाँ पे भीड़ लग गया था, मैंने उस गाड़ी को टो कर दिया। और अभी हम चलते हैं गाइस यहाँ से और देखें यहाँ पे कोई अच्छी गाड़ी और है या नहीं। यहाँ पे सामने मेरे को दिख चुका है एक और सुपरा, और राइट पे एक वो भी है, मस्टैंग भी है। मस्टैंग देखते हैं कितने का, मस्टैंग भी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है वैसे, 51,000 में सुपरा तो आएगा नहीं, तो मस्टैंग फिर से फर्स्ट में ले लेते हैं, उसके बाद हम सुपरा भी खरीदेंगे। ये इसको बोलते हैं 40,000, चलो 40,000 में देखते हैं यार। 48 तो वो खुद दे जाता वैसा। ओके गाइस हमने मस्टैंग खरीदा, इसको हम कर देते हैं रिपेयर पे। और वो वाला सुपरा देखना है मेरे को कि सुपरा कितने में दे रही है वीआरटी। यहाँ पे सुपरा 36% डैमेज्ड है और ये है मेरा 71,000 में। 71,000 में इसके व्हील वगैरह अच्छे, तो मेरे को व्हील वगैरह में काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं वो शायद खरीद सकता हूँ, जो कि अच्छा एक प्रॉफिट होगा अगर मैं वो 71 में भी खरीद के अगर मैं 100K में बेच दूँ, क्योंकि मेरे को बस थोड़ा बहुत रिपेयर ही करना पड़ेगा वो गाड़ी। तो गाइस अभी हम फटाक से चलते हैं ऑफिस पे और वहाँ से गाड़ी वगैरह को जो सब गाड़ी है वो सब को रिपेयर कर देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गाइस अपने ऑफिस पे और ये गाड़ी को हम लगा देते हैं रिपेयर पे। ये वाला गाड़ी शायद रिपेयर ऑलरेडी है, सो गाइस मेरे को इस पर कुछ करना नहीं है। सो गाइस अभी ये गाड़ी लेके चलते हैं बेचने डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरा एक टेस्ला खड़ा हुआ होगा, टेस्ला को भी हम सेल के लिए लगाएंगे और मस्टैंग भी सेल कर देंगे, वैसे रख के क्या ही फ़ायदा मेरे को स्टार्टिंग पर, अभी पैसे चाहिए गाइस। तो अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे पार्क और टेस्ला को भी लेके आते हैं। टेस्ला लेके आने के बाद हम, यार ये इलेक्ट्रिक कार है भाई, तो इसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे तो मतलब बनता है भाई, थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो बढ़िया होगा। सो गाइस इसको हम लगाते हैं सेल पे, यहाँ से ये निकालते हैं और इसको हम
डालते कितना, 48 का मैं लाया हूँ, सो आई थिंक 75 अच्छा प्राइस होगा इसके लिए, 75,000 डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे मस्टैंग को भी गाइस डाल देते हैं सेल पे। यहाँ पे इसको मैं 40 में लाया था, सो गाइस इसको मैं डाल देता हूँ 65 का। चलो ओके, हियर वी गो गाइस। और हमारे यहाँ पे शायद शेवरलेट ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है, सो अभी हम वो गाइस वो गाड़ी लेके आते हैं अभी अभी यार। हाँ अभी ठीक है। ओके, इस गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को फ्यूल बढ़वाना पड़ेगा, बट कोई नहीं चल जाएगा, अभी तो चल जाएगा, बेच ही दूंगा। वैसे ये गाड़ी मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ ये गाड़ी है तो अच्छा, बट उतना मेरे को पसंद नहीं है। $1,00,000 भाई बैठा रहने से अच्छा भाई रिलीज करना ही अच्छा है। उस जगह पे मैं फरारी वगैरह अगर खरीद सकता हूँ तो अच्छी बात है, ये सब गाड़ी बेचने के बाद अगर फरारी वगैरह आए तो मज़ा आ जाए। सो गाइस इस गाड़ी का हम फोटो खींच लेते हैं, इसको लगाते हैं सेल पे। या ड्रैग रेस पे कोई अच्छा वाला गाड़ी भी नहीं आया था, तो भाई मैं ड्रैग रेस करता इस गाड़ी से, बट कोई नहीं। सो गाइज अभी यहाँ पे इस गाड़ी को मैं डालता हूँ सेल पे, और इसके लिए डालते हैं गाइज 15 लाख, नहीं सॉरी 1,50,000। ओके हियर वी गो। और मस्टैंग का यहाँ पे कस्टमर आ चुका है, टेस्ला का भी कस्टमर आ चुका है। यहाँ पे मस्टैंग का देखते हैं कितना दे रही है। ये 40 भाग जाए ऐसे भाई, डोंट सेल नहीं करता है, बाद में देखते हैं वो आंटी कितना देती है। उसके बाद इसको मैं 50,000 से निकाल सकता हूँ शायद। इसको देखते हैं गाइज ये कितना दे रही है। ओके, ये खुद दे रही है 52 का। सो गाइज इसको हम ऑफर करते हैं 58,000। हियर वी गो, ले जा ले जा ले जा। ओके गाइज वो गाड़ी 58,000 में बिक चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखते हैं टेस्ला का मेरे को कस्टमर आ चुका है ऑलरेडी, ये कितना दे रहा है। ओके नहीं, ये उतना अच्छा नहीं दे रहा है। इसको देखते हैं 57 दे रहा है वो, बस ये देखते हैं ये दे रहा है 68 शायद, देखा ना 68 देखा शायद, 74,000, 74,000 देखते हैं गाइस इसको बोल के। ओके गाइस हमने वो वाला गाड़ी 74,000 में निकाल दिया है, और हम भी हमारे पास 1,50,000 के करीब डॉलर आ चुके हैं। और इस गाड़ी को मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये 1,16,000 दे रहा है, तो ये गाड़ी निकालते हैं 1,30,000 में। ओके गाइस ये गाड़ी में भी अच्छा खासा फायदा हो चुका है, और अभी हमारे पास है गाइस 2,73,000 डॉलर। ठीक है, अभी हम फटाक से चलते हैं ऑक्शन पे, क्योंकि 2 बजे से ऑक्शन था, और मेरे को लगता है मेरे को कोई गाड़ी भाई मिस ना हो, नहीं इतना गाड़ी कोई मिस नहीं हुआ है, जो मेरे को चाहिए वो सब गाड़ी अभी तक नहीं आया। और भी यार कौन लगा रहा है इतना बेट, यार जल्दी निकालो यार इस खटारे को, वो स्वागत यार कौन भाई 15,000 से भाई ले लो ना भाई, एकदम से ले लो। ओके अब भाई यार ऑडी S5 आया है, ये गाड़ी वैसे प्रॉफिट तो देती है, वैसे खराब प्रॉफिट नहीं देता। इस गाड़ी को मैं ले सकता हूँ वैसे 14,700 का ये चल रहा है ऑलरेडी, और 40,000 में मैंने वो गाड़ी खरीदी। फरारी प्लीज प्लीज प्लीज, 2,58,000 है, पूरा डाल दूंगा, बट प्लीज फरारी मिल जाए तो बढ़िया होगा। 2,25,000 का बेड है फर्स्ट, मैं 9,000 का बेड लगाता हूँ यहाँ पे। भाई यार ये महंगा जाएगा भाई, यार नहीं यार गया भाई, यार वो गाड़ी शायद 2,61,000 में बिक गया यार, मेरे को और 2-3 हज़ार डॉलर मिलता तो हो जाता भाई। यार मेरे को S5 नहीं खरीदना चाहिए था, बट कोई नहीं गाइज, अभी हम फटाक से चलते हैं नेबरहुड पे, और मेरे को वो वाला सुपरा खरीदना है। सुपरा से मेरे को थोड़ा बहुत, ये वाला सुपरा से कम 30,000 डॉलर का प्रॉफिट शायद आ जाएगा। ये 71 बोला है, तो बार्गिन करके इसको बोलते हैं 60, नहीं 60 बोल के देखते हैं, चलो 60 बोलते हैं, 61 नहीं देखते हैं। ओके गाइस हमको ये गाड़ी मिल चुका है ऑलरेडी 60,000 में, सो अगर मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दूँ उसके बाद मैं ये गाड़ी आराम से 1,00,000 का बेच सकता हूँ, तो 40,000 का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। सो अभी हम इसको लेके चलते हैं गाइस ड्रैग रेस पर, देखते हैं ये वाला यहाँ पे एक BMW खड़ा हुआ है, बट BMW में कार ब्रेक डाउन दिखा रहा है, मेरे को शायद भाई रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद खराब गाड़ी से रेस नहीं कर सकता। ये थोड़ा डैमेज था, बट जब तक मैं ये रिपेयर करके लाऊंगा तब तक ये लोग चले जाएंगे भाई। तो अभी गाइस चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो रेस करने को मिला नहीं वैसे। अभी हम इसको करते हैं रिपेयर, और इसको डालते हैं रिपेयर पे, ये ऑलरेडी यार जल्दी करो यार, कितना टाइम लगाओगे। हिट ये क्या हुआ, हाँ मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ये वाला, हाँ
ओके, बट ये लोग कहाँ गए? अरे रात हो गया, इसका मतलब क्या आधा आधा ठीक करके चले जाओगे? यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो गाइस अभी हम चलते हैं गाइस सोने, क्योंकि रात हो चुका है और मेरे को वो वाला गाड़ी नहीं मिलेगा। तो अभी मेरे को कंटेनर पे जाना है और सोना है, कल मेरे को वो गाड़ी देखना है। अगर भाई कुछ ग्लिच वगैरह के चक्कर में वैसा हुआ तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो नेक्स्ट डे गाइस अभी हम फटाक से चलते हैं ऑफिस पर, मेरे को वो सुपरा का देखना है भाई। उसका भाई गंदा सीन हुआ पिछले रात को, वो देखो वो देखो, अभी भी खड़ा भाई, गिरा दिया। अभी टूट फूट गया क्या? नहीं, टूटा नहीं है गाइस। तो अभी हम इसको चलाते हैं और इसको वैसे मेरे को बेचना भी है, बट देखते हैं ड्रैग रेस पे कोई अच्छा बंदा तो आता नहीं यहाँ पे। इसको लेके चलते हैं गाइस कार मार्केट पर, और देखते हैं कार मार्केट पर अगर अच्छी कोई गाड़ी है। मेरे को मिल गया, मेरे को फरारी दिख गया, बट फरारी कितने का है? फरारी कितने का है यहाँ पे? 3,43,000 था। शिट शिट शिट, मेरे पास 2 लाख है, इतना तो बार्गेन नहीं करेगा। बाकी कोई अच्छी गाड़ी नहीं है यहाँ पे गाइज, मेरे को फरारी चाहिए। मैं सुपरा बेच दूंगा, सुपरा मैं बेच दूंगा, सुपरा बेच दूंगा। और वहाँ पे ऑडी S5, ऑडी S5 मैक्सिमम 20-23 जाएगा शायद, उससे ज़्यादा नहीं जाता है शायद, मेरे को जितना पता है। और गाइज यहाँ पे कोई अच्छी वाली गाड़ी भी नहीं है जिससे मैं ड्रैग रेस करके पैसे कमा सकूँ। भाई $873 से क्या होगा मेरा? कोई अच्छा वाला ड्रैग रेस आए तो भाई बात बन जाए भाई। तो गाइज अभी हम चलते हैं नेबरहुड पर, देखते हैं मेरे को गाड़ी खरीदना और बेचना है, तब जाके मैं आज रात तक शायद फरारी खरीद सकता हूँ, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे अभी देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी आई है तो बढ़िया हो जाए। और गाइज मेरे को दिख चुका है एक अच्छी गाड़ी, ये कूप है, मर्सिडीज, मर्सिडीज कूप मिल गया। ये गाड़ी कम से कम 1,10,000 का चला जाता है, ठीक है? तो गाइज ये गाड़ी है 78 बोल रहा है ये, मैं इसको 65 बोलता हूँ क्योंकि गाड़ी थोड़ा डैमेज है 37% तक। सो गाइज मेरे को मिल चुका है यहाँ पे मर्सिडीज कूप, और मैं इसको भाई नहीं कर सकता टो टो पे। ओ शिट, यहाँ पे भीड़ लग गया। अरे ठोकना मत ठोकना मत ठोकना मत, मैं हटा रहा हूँ गाड़ी। ओके यहाँ पे करते हैं इसको पार्क, सामने जाके थोड़ा और गाड़ी, ये दोनों गाड़ी मेरे को भाई करना है मेरे को टो, ठीक है? और मेरे को यहाँ से जाते वक्त देखना है कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए तो वो गाड़ी चला के ले जानी है। मेरे को यहाँ पे कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिले भाई, एक भी अच्छा गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम चलते हैं, दोनों गाड़ी को हम ठीक करते हैं, ठीक है? क्योंकि तो बहुत डैमेज हो गई थी, और सुपरा को भी मैंने थोड़ा बहुत खो भी लिया था। सो दोनों गाड़ी को करते हैं अभी ठीक गाइज। और यहाँ पे भाई शुभ काम से पहले थोड़ा बहुत इसको पैसे देते हैं, बट यहाँ पे हायर कर सकते हैं हम हायर। मैंने उसको $500 दिए भाई, मेरे को, मैंने सोचा भाई फरारी खरीदने से पहले कोई गरीब का भला कर देता हूँ, इस वजह से मैंने उसको हायर का प्रेस किया, बट मेरे $500 चले गए उसके पीछे। मेरे को लगा वो एज एम्प्लॉय आएगा, बट वो आया ही नहीं। कल से ज्वाइन करेगा क्या? हो सकता है गाइस, देखते हैं कल सुबह, कल सुबह अगर वो आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा। ओके ये है हमारा S5, इसको हम लगाते हैं गाइस सेल पे, और इसको हम डालते हैं 17-14,000, 20,000 डाल देते हैं, 20,000 में शायद ही बिक जाए, 20,000 आ जाना चाहिए वैसे तो। ओके ये गाड़ी को हम करते हैं टो और हम सुपरा चला के जाएंगे। ओके गाइस और अभी हम शिट शिट शिट, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोनों गाड़ी को हमने पार्क कर दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके अभी हम इसका भी फोटो खींचते हैं और इसका भी फोटो खींचते हैं। ओके गाइस और यहाँ पे करते हैं दोनों को सेल पे लगाते हैं, दोनों को लगाते हैं यहाँ पे सेल पे। इसको हम डालते हैं 1,25,000, उसको भी डालेंगे 1,25,000, दोनों गाड़ी देखते हैं 1,25,000 में बिकती है या नहीं। अगर नहीं बिकेगी तो थोड़ा बहुत निगोशिएट करके 1,00,000 में बेच देंगे वैसे। इसको हम डालते हैं 1,50,000, चलो। और यहाँ पे इसका पिक्चर भी डाल देते हैं। ओके गाइस और यहाँ पे देखते ही देखते ऑडी का कस्टमर आ चुका है यार, ऑडी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है ऑलरेडी। ओके इसने ये नहीं, मेरे को नहीं सेल करना, मैं इसको ना प्राइस बढ़ा के डालता हूँ, इससे मेरे को थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आएगा भाई। उस प्राइस में ये लेगा मतलब भाई, इसका बजट और ज़्यादा है थोड़ा, 30,000 डाल देते हैं गाइस।
30,000 डाल देते हैं, देखते हैं अगर भाई डबल में निकल जाए। ओके अभी गए थोड़ा, तीनों गाड़ी साफ कर देते हैं थोड़ा बहुत। यार ये देखो व्हाइट कलर की गाड़ी गंदी हो गई, कैसे दिख रही थी ऑलरेडी। A few moments later. तो गाइस हमने सारे गाड़ी साफ कर दिया और बीच में मेरे को ये कस्टमर दिख गया है। ये 30,000 का मैंने बोला था, ये ऑलरेडी 24,000 दे रही है, दे रहा है 29,000 का बोल के फाइनल करते हैं, देखते हैं गाइस। ओके 29,000 में नहीं देगा, 28,000। ओके गाइस हमने वो वाला गाड़ी 28,000 में बेच दिया और मेरे को ये वाला जगह थोड़ा पोर्शन क्लीन करना था और मैंने तीनों गाड़ी क्लीन कर दिया है ऑलरेडी पूरा। और अभी हम चलते हैं, देखते देखते यहाँ पे और एक और कस्टमर आ चुका है, वो भी सुपरा का। ठीक है मैं, मेरे को सुपरा कैसे भी तरह से बेचना है। 1,10,000 डालता हूँ क्योंकि यार अदरवाइज वो चला जाएगा ना, फरारी चला जाएगा, ये उतना नहीं देगी। 1,00,000 दे दो मैडम जी। ओके गाइस 1,00,000 में मैंने सुपरा बेच दिया है और फिर से आया है मर्सिडीज का कस्टमर। अभी देखते हैं, ये कम से कम भाई जाना चाहिए, ये कम से कम 1,10,000 तो जाना ही चाहिए। ओके अभी हमारे पास आ चुके हैं गाइस 3,68,000। सो गाइस हम खरीद सकते हैं आज फरारी, ठीक है, और मेरे को फरारी अभी के अभी चाहिए। So, अभी हम चलते हैं गाइस कार मार्केट पे, यहाँ पे आके यहाँ से इसको बार्गेन करते हैं क्योंकि ये इसका गाड़ी का प्राइस है 3,43,000। सो गाइस इसको ऑफर करते हैं 3,00,000 का, 3,00,000 ऑफर करते हैं इसको और देखते हैं यहाँ पे ये 3,00,000। ओके हमको मिल चुका है गाइस फरारी, इसका लुक देखो यार कितना तगड़ा है भाई। सो अभी हम इसको चलाने वाले हैं, चलाते हुए ऑफिस जाएंगे भाई। ओके गाइस यार फरारी चलाने का मजा ही कुछ और है भाई, अलग ही गाड़ी है ये। A few moments later. तो गाइस अभी हम इसको करने वाले हैं रिपेयर, बट रात हो चुकी है, मेरा टाइमिंग भी इतना खराब क्यों है पता नहीं। तो गाइस अभी हमको जाना है फिर से सोने के लिए और उसके बाद देखते हैं। वैसे मैंने वो जो होमलेस को पैसे दिए थे वो पैसे मेरे को अभी तक नहीं मिले, मेरे को कल सुबह देखना होगा कि वो काम करने आ रहा है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, वो 500 रुपये लेके चला गया, वो आया भी नहीं, देखना पड़ेगा कल सुबह मेरे को। तो गाइस यार फरारी तो पटाखे मार रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे गाइस इसको करते हैं पार्क और अभी हम चलते हैं सोने के लिए। यार एक घर खरीदना होगा भाई, अदरवाइज एक फरारी का ओनर कंटेनर पे सोता है, देखने में भी शर्म लगता है, शर्म आता है। ओके हमने बहुत लॉस किया है आज वैसे भाई, 1,27,000 का लॉस किया है आज हमें। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट डे पे और हमारी फरारी यहाँ पे खड़ी हुई है और मेरे को इस गाड़ी को लेके जाना है। ओ अच्छा यू क्लीन द ऑफिस, अच्छा 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 मैंने जो $500 मैंने दिए थे वो वेस्ट नहीं किया, हमारा एम्प्लॉय ऑलरेडी आ चुका है हमारे ऑफिस पे और उसने ऑलरेडी साफ कर दिया है हमारा ऑफिस, बहुत बढ़िया बात है। ओके अभी हम आ चुके हैं गाइस रिपेयर पे और मेरे को कल रात को रिपेयर करना था बट मैं रिपेयर नहीं कर पाया, रात हो गया था इसलिए। A few moments later. ओके अभी हमारा गाड़ी एकदम रिपेयर हो चुका है और गाइस अभी हम चलाने वाले हैं इसको और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने वाले हैं। फर्स्ट में मेरे को इस पे पेंट लगाना है, देन इस पे थोड़ा अच्छा खासा करके मेरे को टर्बो वगैरह नॉस वगैरह लगाना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। तो पहले इसको लगाते हैं ट्यूनिंग पे, देन इसके बाद कलर तो कर ही देंगे वैसा। अभी यहाँ पे इसको लगाते हैं 4,500 का रेसिंग किट, TSP टर्बो नॉस सब लगा देते हैं। इसके बाद ये सस्पेंशन थोड़ा उठा दूं क्या, शिट ये तो कुछ और ही लग रहा है भाई, नहीं 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 ये तो SUV लग रहा है, फरारी कहीं से नहीं लग रहा। सो अभी हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, कैलिफोर्निया का नहीं लगाएंगे आज, थोड़ा दूसरा नंबर प्लेट लगाएंगे। यहाँ पे मेरे को टायर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, टायर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब व्हील जो है, और मेरे को यहाँ पे रोमा का ये वाला लगा देते हैं। ओके गाइस
इसको करते हैं बैक और देन अभी हमको जाना है कलर के लिए। सो अभी हम चलते हैं पीछे और मेरे को यार पहले देखना है रेड कलर कैसा लगता है, देन वैसे मेरे को तो ब्लू कलर ही करवाना है बट फरारी रेड अलग ही लगता है भाई। सो गाइस अभी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे और पहले देखेंगे गाइस रेड कलर कैसा लगता है। ठीक है, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, मेरे को रेड देखना है। ठीक है, रेड मेरे को देखना है कैसा लगता है दिखने में। ओके पॉलिश, ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, दिखने में अच्छा लग रहा है बट यार हमारे डीलरशिप में सिर्फ ब्लू गाड़ी बिकती है सो अपना डीलरशिप की वजह से मेरे को ब्लू करना होगा वैसे ही। सो ये थोड़ा मेटालिक कर देता हूँ और स्मूथनेस से बढ़ा देते हैं थोड़ा। ओके मेरे को ग्लॉसी टाइप के कार ज़्यादा पसंद आते हैं, तुम लोगों को कैसे पसंद है मेरे को कॉमेंट पर ज़रूर बताना। स्मूथनेस वाले मेरे को तो अच्छे लगते हैं भाई ग्लॉस करते हुए, मैट मेरे को उतने पसंद नहीं आता वैसे, अपने अपने सभी की चॉइस होती है। A few moments later. तो अभी हमने गाइस पूरा गाड़ी कर दिया यहाँ पे, चमका दिया एकदम। यार देख रहे हो यार हमारी फरारी क्या ही शाइन कर रही है। ओके गाइस अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं इस गाड़ी को पार्क। ओके और थोड़ा अभी ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। फिर से मिलता हूँ मैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए टिल देन और टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।